हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीवन इज फाइन। अभी अपन एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 तो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपके पास टाइम भी बहुत है, इनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करो। आज एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, इसके अंदर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो थर्ड मेथड है ये। फर्स्ट हमने कौन सा किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड किया था एलिमिनेशन। और थर्ड पे हम कौन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें बुक में आपके स्टार्टिंग में बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हमारे को आगे सॉल्व करना है। और सबसे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन कंडीशन है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ तीनों स्टेज। अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो इस कंडीशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन कंडीशन। इसमें आपके सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। और अब ये बात है कि a1 a2 क्या क्या है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से उठाते हैं अपन। यहाँ एक इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको a1 बोलते हैं, इसको b1, इसको c1। सिमिलरली a2 b2 और c2 ये आपको पता ही है, आपको पहले ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूं। इसको एक बार नोट कर लें, फिर अपन चेक करते हैं कि इस फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब आप इसमें देखो, x-3y-3=0, 3x-3y-2=0। सबसे पहले निकालते हैं इसमें a1 अपॉन a2। a1 कौन होता है, इसके मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है, x के अलावा जो लिखा हुआ है 1/3 आ गया। इसी तरह से अपन ने निकाला इसके अंदर b1 अपॉन b2, इसके y के मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, मतलब y के अलावा यहाँ पर है -3, साइन के साथ ही लिखेंगे, ये हमारे पास -9, -9 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3। इसी तरह से c1 अपॉन c2 ये हमारे पास आ गया -3 अपॉन -2, दैट इज 3/2। अब इन तीनों से अपन को क्या मिलता है सिचुएशन, देखो ये दोनों तो इक्वल है, means a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, तो हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या आप इसको निकालोगे, इसलिए आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे। नो सॉल्यूशन क्यों होता है बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में कैसी होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका आंसर निकल ही नहीं सकता, मींस कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? इसलिए आप इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसको तो कॉपी कर लो पहले। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में मेरे पास में सबसे पहले a1 अपॉन a2 चेक करता हूं 2/3 और ये b1 अपॉन b2 1/2। फर्स्ट ऑफ इन दोनों को सॉल्व करते हुए क्या मिल गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मींस गिवन इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब एक आपके कॉमन पॉइंट जरूर होगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये अगर मेरे को ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होती है और सेकंड ये होती है तो कॉमन पॉइंट इसमें जरूर होगा, ठीक है ना? ये हमारे सिचुएशन आ गई, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते समय ध्यान रखते हैं हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ 2x + y - 5 = 0, 5 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करके लिखेंगे 3x + 2y - 8 = 0। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा मैं आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास x लिख रहे हैं हमेशा, ये हमेशा माइनस वाई लिखेंगे,
यहाँ प्लस है तो भी आप माइनस की यूज करें। ये माइनस मैं इसलिए यूज करता हूँ ताकि ऑर्डर चेंज नहीं करना पड़े, तीनों के अंदर सेम ऑर्डर बनाए रखने के लिए मैं हमारे यहाँ पर माइनस यूज करता हूँ। अब आप इसमें देखो x, y और ये 1, ये तीन आपको बना दे कॉलम। इसके अंदर क्या करना है, x को इस पार्ट में छुपा दो इसके, ठीक याद रखना, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, बचे कितने ये दोनों। अब आप इसमें y के अलावा यहाँ कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 मार्क कर दो, इसके अंदर ये 2 मार्क कर दो। यहां पर देखो माइनस 5 है, ये माइनस 5 आ जाएगा और ये माइनस 8 आ जाएगा। अब y के नीचे लिखना ना, इसको y को छुपा दो आप, जो y को छुपाएंगे तो x बचेगा यहाँ पर, x का कोफिशिएंट क्या कितना है 2, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इस x के अलावा यहाँ क्या लिखा हुआ है और इसमें x के अलावा क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ मार्क हो गया। और इस तरफ क्या बचा, ये माइनस 5 और ये माइनस 8, ठीक है ना। अब कॉन्स्टेंट है ना बिना एक्स वाला, उसको छुपा दो, जैसे उसको छुपाया ये दोनों बच गए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 3। ये एक्स है ना, एक्स के साथ जो नंबर लिखे हैं उसको यहां पर पुट करना है, यहां पर वाई है तो वाई के अलावा जो नंबर लिखे हुए हैं ना उनको पुट करना है, तो वाई के अलावा कितना लिखा हुआ है 1, जो कुछ भी नहीं होता है 1 तो होता ही है, और वाई के साथ में यहां कितना लिखा हुआ है 2, तो ये यहां पर 2 मार्क कर दो, बहुत सिंपल है। अब आप इसमें देखो एक्स अपॉन ये माइनस आप मेंटेन रखेंगे और ये सभी क्वेश्चन में आप लगाते रहे ताकि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो आपके अप्रोप्रिएट रहेगी इसके अंदर। अब आप देखो दो ब्रैकेट बना दो ऐसे नीचे माइनस करना, मिस दो ब्रैकेट और ये माइनस करना। अब आप देखो उसमें पहला जो ब्रैकेट है ना उसमें क्या करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ 1 और माइनस 8 का मल्टीप्लाई करो कितना है माइनस 8 या माइनस 8, किस किस का किया इसका इसका हमेशा इसको इससे मल्टीप्लाई करके पहले याद रखिए, पहले ब्रैकेट में ये लिखना है, उसके बाद में आप 2 को करो माइनस 5 से मल्टीप्लाई, 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया माइनस 10, इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर माइनस 10 लिखिए, अगर प्लस अगर प्लस लिखते थे माइनस आता जो आ रहा है वो लिखना है बस। यहां पर देखो ये जो काम यहां किया ना वही काम अब यहां करना है, अब 2 से इस माइनस 8 को मल्टीप्लाई करो कितना आया माइनस का 16, 3 से इसको करो ये कितना आया माइनस 14, ध्यान से देखो 2 से माइनस 8 को किया तो माइनस 16 आया, 3 से माइनस 5 को किया तो माइनस 15 आया, इसी तरह से ये हो गया 2 2 4 और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, बस हो गया काम, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब आप देखो x अपॉन इसकी अब कैलकुलेशन करनी है, ये तो है माइनस का 8 और ये प्लस का 10 है, दिस इक्वल्स टू माइनस 5, ये माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस और ये 15, 1 अपॉन ये 4 और ये माइनस 3। अब आप इसमें देखो x अपॉन 10 में से 8 चला गया माइनस का 8 है तो यह 2 आएगा, ये माइनस y और ये माइनस 1, माइनस 16 प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 1, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो, बहुत सिंपल। देखो अब x by 2 ये y अपॉन 1 और इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्या मिला वेरी क्लोज टू आंसर है x अपॉन 2 ये y और ये 0 2 y। अब आप इसको और इसको साथ में ले लो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो तो क्या आ जाएगा x by 2 = 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 बन जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड और थर्ड को साथ में लेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 1, यहाँ तो ठीक है अपॉन में कुछ था नहीं, होता तो जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं वो इसमें अप्लाई हो जाते हैं और ये वैल्यू होता है। ये देखने को तो टफ लगता है लेकिन ये मेथड करना बहुत इजी रहता है, ठीक है ना, जब ए बी और ऐसे कोएफिशिएंट्स होते हैं ना उस समय ये मेथड बहुत ही वरदान की तरह काम करता है, ठीक है ना, उस समय तो आप समझो बहुत जल्दी आंसर इस मेथड से आ जाता है। तो हमें टोटल सॉल्व करने कितने मेथड सीखे हैं, 3 मेथड सीखे हैं, तो सब्ट्रैक्शन मेथड, एक एलिमिनेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बहुत अच्छा मेथड है, इसको केयरफुली करो। थर्ड पार्ट इसका 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40, सबसे पहले तो आप इनको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करने के आदत डाल दें, माइनस फाइव वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं लेफ्ट साइड ट्रांसफर करने के उसको करना है, 6x - 10y और -40। अब आप इसमें a1 अपॉन a2 चेक करो, 3/6 दैट्स 1/2, फिर b1 अपॉन b2 को चेक करो,
माइनस पी यहां से लेना है, यहां से वाई के वाई का कॉफिशियंट, यहां भी वाई का कॉफिशियंट माइनस माइनस कैंसिल, दैट्स 1 बाय 2 एंड c1 अपॉन c2 दैट इज माइनस 20 अपॉन माइनस 40 दैट्स आल्सो 1 बाय 2. तो क्या ऑब्जर्वेशन है, तीनों सेम है. मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. मींस इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा. तीनों लिखा रखे हैं मैंने, आपको चेक करो. देखिए इसमें आ रहा है इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस. क्यों आया भी इसमें ना, क्योंकि इसमें ऐसी दो स्ट्रेट लाइन होगी जो आपस में क्या रहेगी, कोइंसाइड, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी. तो सो मेनी पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, इसलिए इसके अंदर रहता है इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस. तो स्टार्टिंग के अंदर बोल रखा है यूनिक सॉल्यूशन हमें भी सॉल्व करना है. अब यहां पर देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर ये a1 upon a2 चेक करें, 1 by 3 आ गया x का कोफिशिएंट और ये इस x का कोफिशिएंट. फिर b1 upon b2 को चेक करो, इसका कोफिशिएंट कितना है, -3 और ये -3 1. मेरे को मिला क्या इसके अंदर, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सॉल्व करना पड़ेगा. क्यों भाई, क्योंकि ये है यूनिक सॉल्यूशंस. यूनिक सॉल्यूशन जब भी होता है तो हमारे को उसको सॉल्व करना होता है. अभी कॉपी करो पहले. अब इसमें ये वाला भी हटा दो, ये डिसाइड तो हो गया इसका यूनिक सॉल्यूशन. अब इसको सॉल्व करो. सॉल्व करने के लिए मैंने आप इसमें क्या बताया था, एक्स अपॉन या माइनस कर लो और ये वन अपॉन कर लो. अब इसमें एक ट्रिक बताता, ये एक्स छुपा लो, इसमें बचा हुआ है उसको यहां लिख दो, ये -3 और ये -3. वाई को नहीं लिखना है यहां पर, -7 और ये -15. फिर वाई को छुपा लो, तो इसमें एक्स के मल्टीपल कुछ भी नहीं है तो वन होगा. यहां पर रहता है 3 और यहां से आ जाएगा -7 और ये -15. इसी तरह से अब क्या, -7 और -15 छुपा लो, तो 1, 3 और ये -3 और ये -3 आ गया. देन यहां पर x अपॉन दो ब्रैकेट बना लो बीच में -15, हमेशा बड़े कैसा भी ये क्वेश्चन आ जाए तो दो ब्रैकेट और बीच में माइनस लगाना है. मेट्रिक याद रखो तो आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगी. अब आप इसमें देखो इसका इसका मल्टीप्लाई पहले करेंगे, है ना, कैसे डायगनली करते हैं. -3 से -15 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, -+ और ये हो जाएगा 45. इसको इससे करेंगे तो -+ और ये हो जाएगा 21. इसी तरह से ये आ जाएगा -15 और ये आ जाएगा -21. देन ये आ जाएगा मेरे पास -3 और ये आ जाएगा -9. अब आप देखो इसमें x अपॉन ये हो गया 45 -21 -y अपॉन -15 ये -+ 21 1 अपॉन ये -3 ये -+ और ये 9. अब आराम से देखो ये x अपॉन 45 पे से 21 चला गया, ये हमारे पास 4 और 2 24, ठीक है ना. अब दिस इक्वल्स टू -y, ये 21 में से 15 माइनस कर दो, 6 आ जाएगा और ये 1 अपॉन 6 आ जाएगा. अब आप देखो ये 6 और 24 है ना, तो किसी भी एक नंबर से तीनों को एक साथ रिड्यूस कर सकते हैं. तो 6 की टेबल में तीनों आ रहे हैं, 6 1 जा और 6 4 जा, लेकिन तीनों को करना एक ही टेबल से ही है यार, कोई दो को नहीं, तीनों को एक साथ करना पड़ेगा. नहीं भी करोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. अब आप इसमें देखो सिचुएशन जो बनी, हमारे पास x अपॉन 4 माइनस है साथ में -y अपॉन 1 और ये 1 अपॉन 1 वाली दे देता हूं. अब फर्स्ट और थर्ड को ले साथ में, तो x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 4. अब सेकंड और थर्ड को साथ में ले लो, तो -y अपॉन 1 का मतलब तो y -y रहेगा और माइनस को राइट से एक्सेप्ट कर देंगे ना तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये -1. ये इसका आंसर.
ध्यान रखो कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है ना। कितने मेथड किए हमने, तीन मेथड किए। पहला कौन सा मेथड किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.3 एक्सरसाइज में, 3.4 में एलिमिनेशन मेथड, 3.5 पे ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब ये प्रॉब्लम दिमाग में ये राइज हो रही है कि हम कौन से मेथड से एग्जाम में करेंगे। देखो अगर स्पेशल ऊपर कुछ कमेंट लिखा हुआ नहीं आए कि भी पर्टिकुलर इसी मेथड से करो, अगर लिखा हुआ आ जाए तो फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर लो जो आपको उस समय उस सिचुएशन में उस क्वेश्चन में सही समझ में आता है, जल्दी आंसर आने के चांसेस होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, जब तक कि ऊपर कोई कमेंट लिखा हुआ स्पेशली नहीं आए, ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि सॉल्व करने के ऊपर देखें तो मेथड स्पेशली इसने कहा है करने के लिए या नहीं। अगर आप फ्री है तो तीनों में से कोई भी मेथड यूज करें, फिर भी मैक्सिमम केसेस के अंदर है ना एलिमिनेशन मेथड ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। लेकिन जहां पर एल्जेब्रिक क्वांटिटी साथ में लिखी हुआ जाए, जैसे x इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई a प्लस b वगैरह ऐसा कुछ आए ना, तो उसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज्यादा इजी रहता है। तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से ये डील होगा, वो मेथड जो एप्रोप्रिएट होगा वो उसमें लगा लेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये आपको तो इक्वेशन दे रखी है इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, कंडीशन देकर के a और b की वैल्यू पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आने के और भी चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझना इसको। सबसे पहले तो आप है ना जो राइट साइड में जो वैल्यू पड़ी है सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, 2x + 3y - 7 = 0। यहां पर a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 3 है, ये हो जाएगा माइनस बी और ये प्लस 2 = 0। अब इसने सिचुएशन दे रखी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या बात करते हैं, अपना बेसिक मैंने आपको बताया, उसमें बताया था कि a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। ये सिचुएशन हमें a1 upon a2 के लिए a1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और a2 हो जाएगा a माइनस b, और ये हमारे पास 3 यहां से आ जाएगा a प्लस b, ये माइनस 7 और ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस b प्लस 2। अब आप कोई भी दो पेयर को एक साथ ले लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो ये हो जाएगा 2 upon a - b = 3 upon a + b। अब उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 और a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा = 3 और a माइनस बी। अब ब्रैकेट ओपन है तो 2a + 2b = 3a - 3b। अब आप उसको a को लेफ्ट साइड ले और b को राइट साइड ले जाओ, तो 2a माइनस का 3a हो जाएगा लेफ्ट साइड आएगा तो, और माइनस का 3b ऑलरेडी ये 2a 2b उधर चला जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा, देन माइनस a और ये माइनस का 5b, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a = 2 हो गया 5b। इक्वेशन नंबर आप इसमें डाल दो फर्स्ट। अब आप इसमें ना सेकेंड और थर्ड को साथ लो, आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशियोज यहां पर आ जाएगा 3 upon a + b = -7 upon -3a - b + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे b की वैल्यू रख सकते हैं अपन यहां पर,
चाहो तो आप b की वैल्यू पहले रख दो, बट अभी दिमाग में आपके b की वैल्यू उतना नहीं आएगा, आप ये सोचोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही बेस्ट है, तो उसी को फॉलो कर लेते हैं। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 9a माइनस का 3b और 3 इसको करेगा तो प्लस का 6 माइनस 7 इन दोनों को करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर जाएगा ना तो माइनस का 7a और माइनस का ये 7b। अब आप इसमें थोड़ा कॉपी कर लें यहां से मेरे को मिला क्या माइनस का 9a एंड माइनस का 3b ऑलरेडी पड़ा है, राइट साइड से इनको लेफ्ट में ले आओ प्लस का 7a एंड प्लस का 7b, ये प्लस 6 है इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर ले माइनस 9a और प्लस का 7a माइनस का 2a हो गया और ये प्लस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 6। अब आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि a की वैल्यू यहां पर शिफ्ट कर दी जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a माइनस का 2 यहां पर ये 5b आ गया प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6 ये माइनस का 2 का 10 हो जाएगा 10b प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6 ये माइनस का 6b माइनस का 10b और प्लस का 4b माइनस का 6b एंड माइनस का 6 देन b इक्वल टू माइनस 6 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई से माइनस 6 अपॉन में चला जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 6 का 1 तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई कितनी आ गई ये बात आ गई। अब b की वैल्यू आ गई ना तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन From equation first, हमने क्या देखा वहां पर a इक्वल टू 5b b की वैल्यू 1 रख दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 ये मेरे पास ये बची है। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है और भी चांसेस हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इसका 3x plus y equals to 1 और 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1 इसमें सिचुएशन कौन सी दे रखी है नो सॉल्यूशन की, तो पहले तो आप इनको है ना 1 को लेफ्ट में ले आओ और इस कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट में ले आओ 3x plus y minus 1 equals to 0 2k minus 1 into x plus k minus y into y as it is एंड माइनस टू के माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब सिचुएशन दे रखी है नो सॉल्यूशन की, रिपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। अब नो सॉल्यूशंस की कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं ये गिवन है हमारे को a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट not equal to c1 upon c2। अब आप इसमें देखो a1 upon a2 कहां से लाएंगे, इस x के साथ में कितना लिखा हुआ 3, यहां पर इस x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2k minus 1 यहां पुट कर दो, b1 इस y के साथ में 1 है और ये b2 मतलब ये हमारे यहां k minus 1 है, this is not equal to यहां सिचुएशन not equal to गया, ये हमारे पास minus 1 upon minus 2k और ये minus 1। अब ऐसी सिचुएशन में पहले इन दोनों को ले लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेशोज तो क्या आएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू इसको यहां ले 2k माइनस 1। अब 2k को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो तो 3k माइनस 2k 3 को राइट साइड ले दो प्लस का 3 और ये माइनस का 1 यहां पर आ जाएगा k और ये 2 तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। बट हमारे पास एक सिचुएशन और है इसको भी डिस्कस करना है तो यहां पर इसको भी ले सकते हैं 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू
माइनस वन अपॉन माइनस टू के माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू के माइनस वन ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस वन का मल्टीप्लाई इसके साथ में है ना, तो ये नॉट इक्वल टू माइनस के प्लस वन हो जाएगा। अब माइनस के को लेफ्ट साइड में लिया माइनस टू के प्लस का के नॉट इक्वल टू वन और ये प्लस वन, ये माइनस वन राइट साइड चला जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया माइनस का k not equal to 2 minus 2 कर दो राइट साइड तो k not equal to minus 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, k equals to 2 क्योंकि k की वैल्यू इसने पूछी है और एक सिचुएशन ये केस में k not equal to minus 2 इसको भी ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत पेशेंस के साथ में जो सिचुएशन दे रखी है उसको देखें उसके अकॉर्डिंग उसको लिख लेना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये यूज करेंगे। तो हमारे पास में है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 3x plus 2y is equal to 4 second equation। कल कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भी हम कौन सी इक्वेशन को पहले यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसको करें या इसको करें, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। देखो अब इन दोनों को पहले ऑब्जर्व करो, आपको जो इजी लगे ना, जहां से नंबर थोड़े छोटे हो उसको आप पहले यूज कर लो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ 8 और 5 है, यहाँ 3 और 2 है, इसी को ले लेते हैं। तो और यहां पर अपॉन टू रहेगा तो y इजिकल को गेन करना इसमें ज्यादा बेटर रहेगा। तो 2y इजिकल्स टू 4 माइनस 3x एंड y इजिकल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 3x अपॉन इसको 2। अब नंबर डालते रहेंगे ये अपने सुविधा के लिए होता है। अब आप इसमें ये वाली जो वैल्यू है ना यहां इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 5 4 माइनस 3x अपॉन 2 y की जगह रख दिया और इक्वल टू 9। बस अब सॉल्विंग स्टेप्स है, बस अब 2 इसका एलसीएम बन रहा है, यहाँ अपॉन में कुछ ऐड है तो 2 से अपॉन में कुछ नहीं होता, गलत होता है, 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो 16x, ये 2 और 2 सेम है तो ये पूरा सेम ही रहेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 20 माइनस 15x is equals to 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ इसकी कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे, 16x में से 15x किया खाली x बचेगा, ये प्लस का 20 और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू से 18 आ जाएगा। अब x equals to 18 minus 20, 20 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास x equals to कितना आ गया, ये माइनस का 2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, put x equals to minus 2 in equation 3 तो हमारे पास आ जाएगा y equals to, इसको 2 भी कह सकते हैं, 2 की ये फॉर्म ही है खाली और 3 नंबर दे तो भी ठीक है, 4 minus 3 और ये minus 2 upon 2, 4 minus minus plus हो जाएगा, 3 to the 6 upon 2, ये 10 upon 2, then minus that, y is equals to कितना क्या मेरे पास है 5। तो x और y की वैल्यू कौन से मेथड से आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ गई, कॉपी करो देखिए इसको। अब इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखो इसके लिए क्या करना है, इनको बताए दे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में 8x प्लस 5y यहां पड़े हैं, 9 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इसको आप फर्स्ट उसको सेकंड में
यहाँ पर x मैंने बताया था ये माइनस वाई लिखा है और ये वन आ रहा यहाँ वाई के साथ अगर प्लस माइनस उसने मतलब नहीं है माइनस वाई लिखेंगे तो ऑर्डर सेम बना रहेगा। अब x को छुपा दो आप x से नीचे लिखना है तो x को छुपा दो y के साथ मैंने नंबर लिख दो यहाँ 5 4 2 और कॉन्स्टेंट जो है माइनस 9 माइनस अब y को छुपा देंगे y के नीचे लिखना है तो x वाले नंबर 8 और 3 ये माइनस 9 माइनस अब कॉन्स्टेंट को छुपा दो तो कितना आ जाएगा 8 3 ये 5 और 8 अब आप इसमें देखो x अपॉन दो ब्रैकेट बना रहे हैं इसका बीच में माइनस आएगा यहाँ पर भी दो ब्रैकेट बना है बीच में माइनस और ये वन अपॉन अब इसका प्रोसेसिंग सीख चुके ऑलरेडी फिर देख लो इसको इससे मल्टीप्लाई करें डायगनल चलते हैं ना 5 को -4 से क्या कहता है -20 और इसको इससे करेंगे तो माइनस का इसको इससे करें तो -32 इसको इससे करें तो माइनस का 27 ये हमारे पास 16 और ये हमारे पास कितना रहेगा 15 आ जाएगा। अब x अपॉन माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस 18 माइनस y ये माइनस का 32 और ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया भाई 27 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 तो बन गया। अब आप इसको यहां लिख लेते हैं x अपॉन कैलकुलेशन करो माइनस का 2 आ रहा है ये माइनस वाई है यहाँ कितना आ रहा है -32 प्लस का 27 माइनस का 5 और इसी को उसकी जो है माइनस माइनस के से अब आप इसमें ना x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मैंने क्या किया फर्स्ट और थर्ड को साथ ले लिया और यहाँ पर y अपॉन 5 इक्वल टू 1 सेकंड और थर्ड को साथ में ले लिया इससे मुझे क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y इक्वल टू 5 मिलेगा ये आपके पास इसका आंसर है। तो इसको दोनों मेथड से इसने कहा था इसलिए मैं सॉल्व कर लिया आप चाहो प्रैक्टिस के लिए तो एक एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं अपन इसके स्टेटमेंट ये बोला है कि आप किसी भी मेथड से एल्जेब्रिक मेथड 3 सीखे उसमें से जो आपको इजी लगे उसको उसको सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस यानी कि हॉस्टल में कोई अगर रहता है और उसके चार्जेस जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो फिक्स्ड चार्ज प्लस उसने कितने दिन खाना खाया उसके हिसाब से टोटल चार्ज उसको बताया जाता है। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. Simple question है। Let the fixed charges be rupees X and the cost of food per day be rupees Y. अब आप इसको देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे आप इसे चलते हैं। क्या बोला इसमें When a student A takes food for 20 days, 20 दिन तक खाना लिया बीच में तो ये केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं एक तो उसको फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे रुपीज एक्स प्लस 20 डेज वो फूड ले रहा है एक दिन का पेमेंट कितना है रुपीज वाई है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा और उसकी जेब से टोटल पैसे कितने जाने हैं 1000 का बिल बन गया फिक्स चार्ज प्लस पर डे जो फूड लिया उसका चार्ज तो 20 डेज गया इसके 20 वाई हो गया। चलिए एक केस इसमें और है केस सेकंड
इसमें क्या अगर बी स्टूडेंट है वो 26 डेज तक फूड लेता है तो फिक्स चार्ज है तो उसको देने पड़ेंगे, और 26 डेज तक ले रहा है तो एक दिन का कितना बताया अपन ने वाई रूपीज, तो ये 26 वाई हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास में 1180 रुपीज का उसका बिल बन गया। अब आप इन दोनों को जिस भी मेथड से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से एलिमिनेशन इसके अंदर ज्यादा ठीक रहेगा। x 26y = 1180 एलिमिनेशन क्यों रहेगा, सीधा माइनस करके देखो सेट हो गया, x कैंसिल हो गया, ये माइनस का 6y माइनस 180 और ये y = आ जाएगा मेरे पास माइनस का 180 अपॉन माइनस का 6 30 Then x plus multiply करना 0 ये 18 1 6 1 7 = 1180 780 को आप ट्रांसफर करना होगा तो x is equal to आ जाएगा 1180 minus 780 करोगे minus ये 0 ये 0 और ये 4 तो 400 रुपीस को उसका फिक्स चार्ज हो गया और पर डे इसको कितना देना पड़ेगा फूड का कितना आया भाई 30 ये 30 रुपीज इसको पर डे चार्ज देते हैं। आप बड़े बड़े स्टेटमेंट के अंदर भी इसका आंसर ले लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली सॉल्व करें, जैसा ये कह रहा है वैसा चलता रहे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बस इसको वर्ड प्रॉब्लम के एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड पार्ट इसका फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. दो सिचुएशन दी है इसमें। वर्ड प्रॉब्लम में एक ही वर्ड का पूरा ध्यान रखना है। Let the fraction be x upon y. x इसका हो गया numerator और y इसका हो गया denominator. According to question, case first क्या बोल रहा है इसका कि भी ये fraction becomes 1/3, ये x upon y है, ये 1/3 हो जाएगी। कब होगी? When 1 is subtracted from numerator. Numerator कौन सा ये वाला? इसमें से 1 minus कर दो। बोलना subtract करना है, तो 1/3 हो जाएगी। छोड़ो इसको। अब case number second पे आ जाओ। ये x upon y है जो कहे वो कर लेंगे। इट बिकम्स 1/4 चलो भैया 1/4 हो जाएगी व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो सिंपल। अब आप इसमें सिंपलीफाई कर आपको बचा नहीं है, जैसा काम वैसा हमने कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y ऊपर आ जाएगा तो ये y हो जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे, y बड़ा ही है फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये 4x इक्वल्स टू इस तरफ डाल देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से y प्लस 8 हो जाएगा। इसको आप सेकंड बोल दो। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, जो आपको समझ में आए जल्दी लगे कि उसी से कर लो आप, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है y की वैल्यू शिफ्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब आप इसमें देखो ये हमारे पास इतना है 4x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 और ये प्लस का 8 जो y की वैल्यू थी ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने 3x को दिया आप इस तरफ तो 4x माइनस 3x ये कितना हो गया 5 तो मेरे पास फटाफट आ गया x इक्वल्स टू 5। जब x आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पर डालनी है, करना कुछ नहीं है। अब पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन से नोटबुक को तो आप कंटिन्यू चलता रहेगा।
अब आपके पास देखो x इक्वल टू 5 आया था ना, यहाँ डालेंगे कितना आएगा 3 ब्रैकेट बना कर 5 लिख दो माइनस 3 और ये y ये आ गया 15 में से 3 चला गया कितना हुआ 12 तो y की वैल्यू आ गई जो है वो फ्रैक्शन लिखनी है देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन y है अब x की वैल्यू रूट होती है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12 अब आप इसे चेक भी कर लो कि अगर मैं 1 सबट्रैक्ट करता हूं 1 करो इसमें सबट्रैक्ट तो 4 हो जाएगा और 4 अपॉन वैल्यू में 1/3 हो रहा है इट मींस क्रॉस चेक हो गया बिल्कुल करेक्ट है कोई इसमें दिक्कत नहीं है ये हमारे फ्रैक्शन इस तरह आंसर आ गया 5 अपॉन बहुत इजी क्वेश्चन है बस वर्ड टू वर्ड इसमें चलते रहे थर्ड पार्ट इज यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर दूसरी सिचुएशन है एंड 2 मार्क्स बीन डिटेक्टेड फॉर ईच इन करेक्ट आंसर देन यश वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट अच्छा क्वेश्चन है लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चंस बी एक्स एंड रॉन्ग आंसर जो उसने दिए ना क्वेश्चंस की वन राइट के कितने हो गए एक्स और रॉन्ग के हो गए वन अब आपके पास केस फर्स्ट है तो पहले वो बोल रहा है कि भाई 3 मार्क्स है ना उसको एक क्वेश्चन राइट करने के लिए है ना एक क्वेश्चन का आंसर राइट लिखेगा तो 3 मार्क्स लेंगे तो उसने कितने क्वेश्चन राइट किए एक्स किए तो उसके मार्क्स आ जाएंगे 3x लेकिन अभी एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करेगा तो उसका 1 मार्क उसका काट लेंगे तो रॉन्ग कितने करना है वो 5 कर रहा है तो 5 मार्क्स लग जाएंगे फिर भी उसको मिल कितने रहे यहां पर लिखा हुआ देखो इसमें 40 मार्क्स मिल रहे हैं स्कोर 40 मार्क्स इस केस में उसके मिल जाते हैं उसको 40 मार्क्स केस सेकंड अब कह रहा है मार्किंग स्कीम थोड़ी चेंज होती है ना क्या बोल रहा है 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर के करेक्ट आंसर कितने दे रहा है वो एक्स दे रहा है तो उसको 4x मिल गए यहां पर और दो नंबर काट लो बोलिए आप ना रॉन्ग आंसर इनकरेक्ट आंसर करता है तो दो नंबर काट लो इनकरेक्ट कितने के वाई के ना तो 2y चले गए फिर भी आप इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस केस में ये कह रहा है ऐसा करोगे मेरे 50 मार्क्स मिल जाएंगे ये हमारे पास अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो बस 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें 2x माइनस वाई इक्वल्स टू ये 50 हो गया तो हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 कितना हो गया 25 तो हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25 सेकंड सिचुएशन अब देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मार्क करता हूं अब दोनों किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो बेटर रहेगा इसको कि एलिमिनेशन से कर लो एलिमिनेशन देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और यहां से आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा यहां प्लस है साइन चेंज कर देते हैं ठीक है ना साइन चेंज करने के बाद सिचुएशन देखो ऐड करेंगे तो y और माइनस वाई कैंसिल ये 3x में से 2x या खाली x बच गया और यहां पर कितने आ जाएंगे 40 में से 25 गए तो 50 x की वैल्यू 15 आ गई अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो तो पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन किसी में डाल दो सेकंड में डाल दो तो 2x है ना तो x जगह तो आप डाल दो 15 और आगे कितना माइनस वाई है ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25 अब ये तो हो गया 30 25 को राइट साइड लेफ्ट साइड लियो माइनस का 25 y को राइट साइड दे दो ये हो गया मेरे पास 5 इक्वल्स टू
अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो यहाँ छोड़ना नहीं है, मोस्टली अपन क्या सोचते हैं कि एक्स और वाई का आंसर आ गया बस हो गया, नहीं, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ये एक कमेंट है इसका, तो उसके लिए क्या बात करेंगे, पहले कॉपी करो लेके मैं यहां जगह पढ़ी। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ questions कितना आ जाएगा x plus y, अब आपके पास x की वैल्यू आई है पढ़िए 15 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे 20, 20 इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टेटस का चल रहा है। फोर्थ पार्ट है सर, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप उसको लेट करें, लेट स्पीड्स ऑफ बोथ कार्स बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। जो पहले वाली कार है उसकी x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और दूसरी वाली है उसकी y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब आप इसमें देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, हाईवे के ऊपर प्लेसेस ए एंड बी, ये हमारे पास ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 100 किलोमीटर। उसमें क्या हुआ है कि दोनों का सेम डायरेक्शन में एक ही टाइम स्टार्ट होती है, यहां से फर्स्ट कार स्टार्ट होती है, यहीं से सेकंड बी से सेकंड कार स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब उसकी स्पीड अलग अलग है लेकिन ध्यान रखें एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। ये क्या मतलब है इसका, तो पीछे वाली कार है ना उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी मिल पाएंगे, ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x की वैल्यू y से ज्यादा होनी चाहिए तभी ये मिलेगी। अब आप इसमें देखो फॉर्मूला जो लगेगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब यहां पर हो गया इसकी स्पीड कितनी x है, इसकी कितनी है y किलोमीटर पर आ रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी आपस की वो x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख देंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना इसलिए x माइनस वाई। टाइम कितना कितना टाइम बाद मिलती है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, तो टाइम की जगह लिख लो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने तो 100 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 को अपॉन में लिया है x माइनस वाई, यानी कि ये आ जाएगा 20, मींस मेरे को मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास में केस सेकंड, बहुत केयरफुल वही सेम पॉइंट्स ए और ए बी है। अब क्या हुआ है कि दोनों कार कैसे ट्रेवल कर रहे, देखो इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब फर्स्ट कार इस तरफ जा रही है तो सेकंड कार इस तरफ उसके सामने से आ रही है, ठीक है ना, टुवर्ड्स ईच अदर है। ये हमारे पास x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। देखो इसमें इतना ज्यादा होना और कम होना जरूरी नहीं है बट इस केस में जरूरी था ज्यादा होना। अब यहां पर लोग सेम होगा डिस्टेंस तो कितनी 100 किलोमीटर की, कंडीशन चेंज हुई खाली, पहले सेम डायरेक्शन थी अब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई एक दूसरे के, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड
दोनों आमने सामने आ रही है, ये इधर से वो उधर से आ रही है, तो ऐसे केस में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और टाइम कितना लगता है इसको आपस में मिलने का, देखो ईच अदर दे मीट इन वन आवर, एक घंटे के अंदर वो मिल जाते हैं इज इक्वल टू वन। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 इक्वल नंबर इन सेकेंड। अब किसी भी मेथड से हम दोनों को अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एलिमिनेशन इसमें ज्यादा बेटर है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये 20 और यहां से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब बताओ क्या होगा, ऐड कर लेते हैं दोनों को, ऐड करते y से y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 120, देन x इक्वल्स टू आ जाएगा 120 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर y निकाल लेंगे, x की वैल्यू पुट करो ना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखो x की वैल्यू 60 यहां डाल दो तो 60 प्लस y इक्वल टू कितना है 100 है, तो 60 राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, इससे मेरे को y मिल जाएगा 40, यानी कि y हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसको वर्ड्स के अंदर पूरा स्टेटमेंट भी लिख लें कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट का 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड का कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा आपको नेटिव स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेना, और इन क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चन एग्जांपल्स के अंदर भी पढ़े होते हैं उनको भी सॉल्व करना, ताकि वर्ड प्रॉब्लम में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, the area is increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Length and breadth of rectangle be x and y units. ठीक है ना, रेस्पेक्टिव मतलब पहले कौन सा वर्ड लेंथ आया, तो लेंथ के लिए x हो गया, ब्रेथ के लिए y हो गया। ये हमारे पास में रेक्टेंगल हो गया, ये x और ये y, तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ मींस x y। अब आप इसमें देखो क्वेश्चन में केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, जैसा बोले वैसा करते रहो बस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, तो एरिया भी कितना है एक्स वाई है ना, ये 9 कम हो जाएगा तो माइनस 9 कर दो बस, जैसा कहे वैसा करते रहे बस। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ कितनी एक्स है, रिड्यूस मतलब माइनस है ना, रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, वाई प्लस 3 कर दो। देखो अभी की लेंथ जो नहीं आई है और उस ब्रेथ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो एरिया ना, और उस एरिया की वैल्यू पहले वाले एरिया से क्या हो जाएगी 9 कम हो जाएगी, ये तो बोला था रिड्यूस बाय 9, तो जैसा बोला वैसा हमने कर लिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो थोड़ा सा, x को y से करेंगे तो x y और ये हमारे पास हो जाएगा 3x और यहां हो जाएगा माइनस का 5y और ये माइनस का 15 इज इक्वल्स टू xy माइनस 9, ये x y इधर भी है x y इधर भी, दोनों प्लस के हैं, भले तो आप लेफ्ट साइड लाके के माइनस के फिर कैंसिल करो, ये तो आप राइट भी कर सकते हैं। ये हो गया 3x माइनस 5y, 15 को राइट साइड दे दो, 15 को जब राइट साइड दे देंगे तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 9 पहले से है तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इसके अंदर देखो केस नंबर सेकंड, इसमें क्या बोला है इसने, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को इंक्रीज करो एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, इसके लिए भी इंक्रीज ही है, 2 यूनिट्स है लेकिन ना,
y plus 2, तो क्या हो जाएगा भाई, है ना? The area is increased by 67 square units. Very good. The area है वो 67 units square units ज़्यादा हो जाएगा. बस जो area था उसको plus 67 कर दिया. अब आप इसको सॉल्व कर लो. x को इससे करेंगे x y, x को 2 से करेंगे तो 2 x, 3 को इससे करेंगे तो 3 y. अब 3 को जब इतना होगा 6, ये जो उसको x y plus 67. अब दोनों तरफ x y है, दोनों plus के हैं. हटा दें इनको, रिमेनिंग वैल्यूज क्या आ गई, 2x plus 3y, ये 6 उधर राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो 67 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 61. ये इक्वेशन नंबर सेकंड है. पहले इसको कॉपी करो, फिर अपन इसको किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको. इस क्वेश्चन में फाइंड द डाइमेंशंस बोला है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ की पूछी है इसके. अब देखो ये हमारे पास ये पोस्टिंग होते हैं, ध्यान रखना भाई यहाँ माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं हो जाए. 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट आ गया. और ये मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, बाकी को हटा सकते हैं. अब आप इसमें एक काम करो, भले तो x कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो, भले आप y के कर दो, प्लस माइनस ऑलरेडी पड़ा है तो माइनस y के ही कर लें. इसको आप 3 से उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 3 का 9x माइनस का 15y 18, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एवरी है ना 2x है, y है और ये कांस्टेंट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखें. ये हमारे पास 10x प्लस का कितना होता है 15y इज इक्वल टू यहाँ 5 और ये 30 305, माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 19x और ये 13 1 1 1 2 3 323. देन x इक्वल टू अपॉन 19 है ना, 19 से इसको रिड्यूस कर दो, 19 अंदर 19 कितना बचा 30 31 33, तो 19 कितना जाएगा 19 7 1 33, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 17 17, क्या इसका यूनिट्स ही बोला होता है एरिया के अंदर, इसलिए 17 यूनिट्स. इसी के बाद में अब y की वैल्यू भी निकालनी है मेरे को, तो किसी भी अब आप इस x की वैल्यू को बोले किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो पुट x इक्वल टू 17 इक्वेशन किस पर डालना चाहेंगे, फर्स्ट में डाल दो छोटे नंबर डाल दिए वहीं डाल दें, ये 3x x से जगह कितना आ जाएगा 17 और माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, ये कितना हो गया 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, माइनस का 5y इक्वल टू 6 माइनस ये 51, उधर 51 जाके माइनस का हो जाएगा, then माइनस का 5y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 45, therefore y इक्वल टू माइनस का 45 अपॉन कितना माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा तो y की वैल्यू हो गई 9 यूनिट्स. तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी कितनी आ गई, लेंथ आ गई 17 यूनिट्स और ब्रेथ आ गई इसकी 5 यूनिट्स. अब वर्ड्स में स्टेटमेंट भी देखते हैं इसका, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, केयरफुली सॉल्व करें. ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, एक एक वर्ड का पूरा ध्यान रखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 बार पढ़े, फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद क्रॉस चेक भी करें, तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे. इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है. अभी हमने एक्सरसाइज कौन कौन सी कंप्लीट कर ली, 3.3 3.4 3.5, तीनों एक्सरसाइज क्वेश्चन वापस करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर होंगे, जिसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिल्कुल ध्यान. Thank you for watching. All the best.